देखो ना सिर्फ पैसा कमाओ बल्कि बचाओ जो आपके फ्यूचर में काम आए, और ना सिर्फ पढ़ो बल्कि लिखो भी। राइटिंग भी तो ठीक होनी चाहिए यार, कि सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप के दम पर ही जिंदा रहोगे। और सुनो, ना सिर्फ वहां जाओ बल्कि वापस आओ। ऐसे सेंटेंसेस जब हम लोग बोलते हैं ना सिर्फ और बल्कि, तो फैक्ट है आप जानते हैं कि नॉट ओनली बट ऑल्सो पे यूज करते हैं। नॉट ओनली यू गो बट ऑल्सो कम बैक, नॉट ओनली यू राइट बट ऑल्सो यू रीड, नॉट ओनली यू स्पीक बट ऑल्सो यू लिसन समथिंग नाउ। ऐसे हजारों सेंटेंसेस हम लोग यूज करते हैं। और इसी के प्लेस पर एक होता क्या है कि जब हम लोग नॉट ओनली और बट ऑल्सो को यूज करते हैं तो ये एक एडवाइस के तरीके से यूज होती है। और इसी में जब हम लोग ऑर्डर पैदा कर देते हैं एडवाइस के देन, जब ऑर्डर पैदा कर देते हैं, जैसे कि हमारी बातों को सुनो मत अपने जीवन में उतारो, ना सिर्फ हमारी बातों को सुनो बल्कि अपने जीवन में उतारो, तुम्हारा जीवन ऐसे सफल हो जाएगा जैसे आशाराम बापू डोंट बी एज सच नाउ, जैसे स्वामी विवेकानंद, ऐसे सक्सेस हो जाएगा। तो ऐसे हजारों सेंटेंस हम लोग अपने कम्युनिकेशन में यूज करते हैं और उसको समझते हैं और फॉलो करते हैं। देखिए कैसे है, नॉट ओनली बट ऑल्सो इज अ मीन्स ऑफ ना सिर्फ बल्कि, ना सिर्फ कमाओ बल्कि बचाओ, नॉट ओनली यू अर्न बट ऑल्सो सेव। और वहां पर क्या है, ए जाओ मत वापस आओ, कहो मत करो, अरे बोलो मत यार चुप बैठो, यू सी दैट चुपचाप बैठिए। यू सी ऐसे तमाम सेंटेंस हम लोग अपने समाज में यूज करते हैं, खाली सर की बातों को सुनो मत अपने जीवन में उतारो, जीवन में तुम्हारा जीवन ऐसे सफल हो जाएगा जैसे स्वामी विवेकानंद। और ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिसमें हम लोग ऑर्डर देते हैं, सिर्फ पढ़ो मत जहन में भी उतारो, और सिर्फ कहो मत समझो भी तो हो क्या रहा है। देखिए क्या डिफरेंसेस होते हैं, बोर्ड पर आए, नॉट ऑनली और बट ऑल्सो। तो नॉट ऑनली यू गो फ्रॉम हियर बट ऑल्सो यू कम बैक फ्रॉम देयर, नॉट ऑनली यू अर्न मनी बट ऑल्सो यू एक्सपेंड देयर। इसी के प्लेस पर यूज होता है जिसको हम लोग ऑर्डराइज यूज करते हैं, नॉट ऑनली बट ऑल्सो एज एन एडवाइस। और जब हम लोग ऑर्डर का यूज करेंगे, प्रेस्टेबल ऑफ ऑर्डर यूज करेंगे, ऑर्डर में तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग सामने इंपरेटिव सेंटेंसेस का यूज किया जाता है जिसमें आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं, और उसका नेगेटिव हम लोग डोंट से यूज करते हैं। तो देखिए कैसे होता है, डोंट यूज ऑफ, यूज ऑफ डोंट मोर देन, बहुत इजी। तो सी कैसे होगा, डोंट मोर देन छुओ मत, रिकॉग्नाइज में छुओ मत, ओलो दो मतलब बाद में, इंपरेटिव का सेंस। कैसे होगा, रूल पे फॉलो करिए, डोंट वी फर्स्ट ऑब्जेक्ट मोर देन एम ओ आर ई टी एच ए एन। अब देखिए टी एच ई एन देन, टी एच ए एन देन, कितना लाइट फर्क है, वो देन तब वाला, ये देन कंपैरिजन वाला। तो देखिए डोंट टच टू मी मोर देन डू दैट वर्क, डोंट स्टडी मोर देन Absorb, don't write more than read, hey, don't play more than study, it will be better for you examination, hey, don't do all that work more than do that work which I told you, baaton ko suno mat apne zehen mein utaro, don't listen to all these of statements, more than absorb in your life, absorb in your life, that will be better for your coming of future, sir ji छुओ मत महसूस करो कितना दर्द है मेरे सीने में, जितना कि मजा नहीं तुम्हारे जीने में, सर डोंट टच मोर देन फील हाउ अ सॉर इन माई लाइफ एज यू डोंट हैव इंटरेस्ट इन योर लाइफ। सो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम लोग यूज करते हैं जिसको डोंट मोर देन के नाम से जानते हैं। तो डोंट फील मोर देन ट्राई टू नो व्हाट इज दैट, don't interrupt in meanwhile more than try to
रेक्टिफाई टू ऑल दैट ऑफ प्रॉप, डोंट अर्न मनी, सिर्फ पैसा कमाओ मत, मोर देन सेव फॉर योर क्राइसिस पीरियड. सो लॉट द सेंटेंसेस आर यूज्ड इन दैट. सी डोंट मोर देन. आई होप दैट यू गॉट इन प्रॉपरली. करना क्या है, आपको कुछ ज्यादा इंटरवल नहीं करना है, बस आप इन सारे सेंटेंसेस को अपने कम्युनिकेशन में यूज करें. कम्युनिकेशन में कैसे यूज करेंगे, बस डोंट मोर देन. आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो के प्लेस पर, क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो इज गोज जस्ट फॉर एज एन एडवाइस, और डोंट मोर देन कम्स फॉर ऑर्डर. बस इतना सा ध्यान रखना है. तो जब भी कभी कोई जा रहा हो उसको वापस बुलाना, हे डोंट गो, मोर देन कम बैक, हे डोंट सी, मोर देन स्लैप ऑन हिज अंडर द ईयर. नाउ कनपटी पे लगे दो चार हिला के सुधर जाए. आई होप दैट यू आर गेटिंग. सो ठीक है, फिर इन सारी चीजों के साथ आप इसको प्रैक्टिस को फॉलो करें. आई विल मीट यू लेटर. बाय. प्लीज यू मे लाइक नाउ एंड एज वेल एज सब्सक्राइब नाउ.